बहुत शिकायत है ना हमसे। शिकायत करना तो हमने कभी सीखा ही नहीं अम्मा जी। वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं। तब से अब तक बहुत कुछ बीत चुका है हम पर, हम सब कुछ भुला चुके। कृष्णा तेरी बेटी है, सच बता, कृष्णा तेरी बेटी है? तू चल मेरे साथ, तू आ मेरे साथ। तुझे मेरे सर की कसम, तुझे तेरी दादी की सर की कसम, शालिग्राम जी की कसम, वो कृष्णा तेरी बिटिया है। बोल। हे शालिग्राम जी, मैं पोती पोतियों के लिए तरसती रही, मेरे आंगन में किलकारियां खेलेंगे इसके लिए मैं तड़पती रही, इसके लिए मैंने जूही को भी अपना लिया जबकि मेरा खून भी नहीं। और अगर ये बात लल्ला तू समझ रहा है बात, अगर कृष्णा तेरी संतान है तो हमने गंगा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं उसके पाँव में गिर जाऊंगी लल्ला, आंसू से उसे भिगो दूंगी, जो भी प्रायश्चित करना है मैं करूंगी। और फिर भी अगर वो लड़की जिद करती है तो मैं तो पूरे अधिकार के साथ उसे खींच के उसे अपने घर ले आऊंगी और कृष्णा को सीने से लगाकर माफी मांगूंगी। अब ये सच्चाई तुम्हारे लिए एक सवाल ही है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तुम। हम पर विश्वास नहीं है तुम्हें। क्या हुआ मम्मा, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, घर आ गया और हमें पता ही नहीं चला। भैया यही रोक दीजिए। आराम से, आराम से। कितनी देर लगा दी, इसे अभी भी रेस्ट की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कशिश मासी। आप कहाँ चले गए थे कृष्णा? कृष्ण जी के मंदिर, अपने पापा के पास, उनसे मिलने के लिए। आपको पता है मेरे पापा कौन है? काना जी मेरे पापा है ना मम्मा? कृष्णा तुम अंदर जाओ, ये भी ले जाओ, अच्छी चीज ले जाओ। हेलो, हाँ जो है? हेलो गंगा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है गंगा? वो बात ये है कि मैं ठीक से बताऊँ ना, क्या बात है गंगा? बात ये है कि मुझे तुम्हारी और कृष्णा की बहुत चिंता हो रही। दादी फिर से एक नया गेम प्लान कर रही है।
चल लला। नहीं दादी, मैं कह रहा हूँ ना, कोई फायदा नहीं। मैं ही देखती हूँ। दादी प्लीज, गंगा मुझे माफ नहीं करेगी। सोनी दरवाजा खोल। जी दादी। मुझे जाने दो, मैं उससे बात करूंगी। क्यों जिद कर रही है? रुक जा। इतने सालों बाद आज हमारे दरवाजे पर आई हो तो जरूर कोई खास बात होगी ना माँ जी। कृष्णा खींच लाए। क्यों, आज तक तो तुमने कृष्णा की सूरत भी नहीं देखी थी, फिर आज कृष्णा से इतना लगाव कैसे हो गया? वो लगती क्या है तुम्हारी अम्मा जी? अपनी सी लगती। तुम लोग हमारी कृष्णा को नहीं छीन सकते हो। अरे नहीं, हम कृष्णा को क्यों छीनेंगे? मैं तो अपनी फड़फड़ती के साथ खेलने के लिए तड़प रही हूँ। बहुत दुख हुआ ये जानकर, लेकिन कृष्णा तुम्हारी फड़फड़ती नहीं है अम्मा जी। उसी पल उसी दिन ये रिश्ता भी टूट गया था जब सागर ने उसे अपना मानने से इनकार किया। कृष्णा के जन्म के भी पहले याद है ना, कौन सा हक जताने आ गए हो तुम दोनों? नहीं रुक, रुक। इतनी सी तुमसे मिले तुझे पाल उसके पड़ा की गलती हो गई। मेरा दिल तो इतना बड़ा है, सब जानती तू हर किसी को माफ करती, लल्ला को एक बार माफ नहीं कर सकती। आज तेरी अम्मा जी तेरे द्वारे खड़ी, आज हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, माफ कर दे मेरी लल्ला को, माफ कर दे। देख कितना अकेला है, अपनों के होते हुए एकदम अकेला। मैं उसकी तड़पन देख नहीं सकती। आज कितना बड़ा एहसान कर दे, माफ कर दे मेरी लल्ला को। जो हुआ सो हुआ, जब से आप लल्ला भैया के साथ घर आई हैं, इस तरह घूम घूम कर क्या सोच रही हैं? बात क्या अम्मा जी? बात ये है कि गंगा और लल्ला अपनी अपनी अकड़ में एक दूसरे के साथ सीधी मुंह बात नहीं कर रहे। जिस रात के बारे में गंगा कह रही है, किसने देखा क्या हुआ उस रात? और अगर गंगा सच कह रही है तो फिर लल्ला को क्यों नहीं याद? कैसे पता करे? कामा, मेरे पापा को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो ना। यस, यहाँ पर है। हाँ। मम्मा! ए, कुछ छोड़ के नहीं आना। मार्डर उनका लड़की को।